हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। और लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग पर डिस्कशन स्टार्ट किया था कि स्ट्रिंग होता क्या है, जो एक कैरेक्टर एरे था। साथ ही साथ स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के भी हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे strlen फंक्शन का यूज़ किया था। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो strlen फंक्शन, जैसा कि हमने देखा था, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। इसी तरीके से strlwr लोअर केस में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे strref फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो आज हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को भी देखेंगे, साथ ही साथ इन फंक्शंस के सिंटैक्स भी देखेंगे कि कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग था क्या? कैरेक्टर एरे था, जिसमें लास्ट में लास्ट कैरेक्टर के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यूज किया जाता था, जिसको कहते थे नल कैरेक्टर। तो हम देखें पहले strlen फंक्शन। strlen फंक्शन क्या था? स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता था। तो ये strlen फंक्शन में हम वो स्ट्रिंग पास करते हैं कि जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी होती है। लास्ट कुछ प्रोग्राम्स में भी हमने ये डिस्कशन किया था। और ये इंटीजर डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है, यानी जितने कैरेक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग के अंदर उतनी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, जिसको हम किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से strupr, यानी स्ट्रिंग में जितने भी लोअर केस कैरेक्टर होंगे उनको भी वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से है strrwr, ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, यानी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लोअर केस कैरेक्टर होंगे वो लोअर केस में ही रहेंगे और अपर केस में जो कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन है strcat फंक्शन। कैट शॉर्ट फॉर्म है कंकेटनेशन का। कंकेटनेशन का मतलब क्या होता है? मर्ज करना, ज्वाइन करना। तो strcat फंक्शन क्या करता है? तो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। जैसे यहाँ हम दो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, str1 एंड str2। तो ये दोनों के कंटेंट्स को मर्ज करके str1 में स्टोर कर देगा। इसी तरीके से strncat, n लगा है यानी n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये कंबाइन करेगा। तो ये इसके अंदर तीन आर्गुमेंट पास करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड n, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मर्ज करना है फर्स्ट स्ट्रिंग में। तो str1 की जो वैल्यू है वो रहेगी सेकेंड स्ट्रिंग के, कितने कैरेक्टर्स को हमें इसमें कंकेटनेट करना है वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं स्ट्रिंग डॉट एच में, नॉर्मली आप देखोगे कि उसका स्टार्ट होता है str से। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के फंक्शंस हैं, जिनको यूज़ करने के लिए हमें इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। देन strcpy, cpy क्या करता है? स्ट्रिंग को कॉपी करता है, एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को दूसरे में कॉपी करेगा। तो यहाँ भी हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकेंड स्ट्रिंग के वैल्यू को ये कॉपी कर देता है। इसी तरीके से है strncpy, ncpy यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कॉपी करना है वो हम यहाँ डाल सकते हैं। तो str2 के जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को str1 में कॉपी करना है वो यहाँ हम पास कर सकते हैं। देन strcmp एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका नॉर्मली यूज हम करते हैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। और ये फंक्शन तीन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या तो 0, 1 या -1। 0 ये कब रिटर्न करता है? जब दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, यानी दोनों स्ट्रिंग के कंटेंट सेम है। जैसे हम पासवर्ड वेरीफाई करते हैं, तो जो एक्चुअल पासवर्ड है और जो यूज़र ने एंटर किया है, अगर दोनों को कंपेयर करना है तो हम इस तरह के फंक्शंस यूज़ करते हैं कि बने हुए फंक्शन हैं। इसके अलावा अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है तो ये क्या रिटर्न करता है? 1। ग्रेटर का सेंस है यहाँ ASCII वैल्यू में। सपोज फर्स्ट स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है A और सेकेंड स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है स्मॉल ए, दोनों की ASCII वैल्यू अलग अलग होगी। तो इस केस में ये एक एक कैरेक्टर को चेक करता है, एक एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू को कंपेयर करता है। सपोज यहाँ ये फर्स्ट स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है,
जिसकी एस की वैल्यू क्या है 65, कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है एंड स्मॉल ए की 97। तो यानी यहाँ क्या है, सेकेंड स्ट्रिंग की एस की वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में ये -1 रिटर्न करेगा। इसी तरीके से है strncpy, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें कंपेयर करना है वो हम यहाँ दे सकते हैं। तो str first और str second दोनों स्ट्रिंग के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें कंपेयर करना है ये यहाँ हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी होता है फंक्शन, जैसे str ref फंक्शन। ref फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। तो अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हम डायरेक्टली str ref फंक्शन से उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं हम कि इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं str cat फंक्शन का यूज। str cat फंक्शन के लिए हमें दो स्ट्रिंग की जरूरत होगी। तो यहाँ हमने दो स्ट्रिंग लिया है, str1 एंड str2। दोनों स्ट्रिंग को रीड कर लिया है scanf के थ्रू। अब हम str cat फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो str cat फंक्शन क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को कंकेटनेट कर देगा, मर्ज कर देगा। तो यहाँ हमने str1 और str2 दोनों पास किया है और फाइनली हम str1 की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पर। अब देखेंगे str1 में हमने पहले क्या एंटर किया था और कंकेटनेशन के बाद उसमें क्या वैल्यू आ रही है, ये हम यहाँ वेरीफाई कर सक पाएंगे। तो पहला स्ट्रिंग सपोज हम डाल रहे हैं हेलो एंड सेकेंड स्ट्रिंग इज वर्ल्ड। अब देख सकते हैं str1 की वैल्यू क्या हो गई, हेलो वर्ल्ड, यानी उसमें पहले से जो कंटेंट्स था उसके अंदर सेकेंड स्ट्रिंग का कंटेंट्स भी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से str cat फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम str n cat का यूज करें, यहाँ हम n cat करते एंड सपोज हम यहाँ शुरू के तीन कैरेक्टर्स कंकेटनेट करना चाहें तो हम यहाँ वो नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ आप कोई भी नंबर पास कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं यहाँ शुरू के तीन कैरेक्टर सिर्फ कंकेटनेट करना चाह रही हूँ। तो हेलो वर्ल्ड। अब देखें तो सेकंड स्ट्रिंग के सिर्फ तीन कैरेक्टर ही यहाँ कंकेटनेट हो रहे हैं फर्स्ट स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ हमने str n cat का यूज किया था और str n cat में हमने 3 पास किया था। इसी तरीके से अगर हम strcpy फंक्शन का यूज करें, strcpy, तो strcpy क्या करता है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू सेकेंड स्ट्रिंग में कॉपी होनी चाहिए। सपोज फर्स्ट स्ट्रिंग इंडिया एंड सेकेंड स्ट्रिंग इज लंदन। तो अब देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या आ रही है, लंदन, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी हो गई है। इसी तरीके से ncpy यूज होता है अगर हम यहाँ n स्पेसिफाई कर दें और सेकेंड स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर को हम ऐड करें, सपोज 4 कैरेक्टर, सेकेंड स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर्स ही कॉपी होंगे यहाँ। strncpy यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कॉपी करना है वो यहाँ ये कॉपी कर रहा है। इसी तरीके से strlen फंक्शन हो यूज किया जाता है। strlen फंक्शन का यूज हमने पहले भी देखा था। सपोज एक वेरिएबल ले ले हम int len, अब हम लेंथ निकालें str1 का, ये मैं अभी कमेंट एंट्री में डाल देती हूँ, और len equal to strlen str1, यानी जो फर्स्ट स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसके लेंथ ये रिटर्न करेगा। लेंथ ऑफ str1 यहाँ हम परसेंट s कर दे ताकि वो स्ट्रिंग दिखाई दे, और यहाँ परसेंट डी, और यहाँ हम करते हैं लेन, यानी लेन वेरिएबल की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट स्ट्रिंग सपोज इंडिया,
तो देख सकते हैं इसकी लेंथ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम str upr या lwr का यूज करें, str upr, तो str upr क्या कर रहा था, वो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो सपोज इंडिया हम अगर स्मॉल में डालें या इंडिया का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में डाल रहे हैं, सॉरी यहाँ हमें लेन को यूज नहीं करना होगा, परसेंट एस, क्योंकि लेन वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए ये कुछ गार्बेज वैल्यू दिखा रहा था। अब इंडिया को अगर हम एंटर करें तो यहाँ देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जो लेटर ऑलरेडी अपर केस में है उसको ये चेंज नहीं करेगा, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से एल डब्ल्यू आर अगर यूज करें, एल डब्ल्यू आर, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अगर हम इंडिया डाले कैपिटल में तो ये इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है str ref, जिसमें स्ट्रिंग पास करते हैं, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो अगर इसको हम रिवर्स करें, सपोज इंडिया, तो ये देख सकते हैं इसको ये रिवर्स कर दे रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर, जो इसके थ्रू हम अपने प्रोग्रामिंग को ईजिली कोड को लिख सकते हैं। हमें खुद से ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक स्ट्रिंग को हम कंपेयर करें। हाँ, साथ ही साथ एक और फंक्शन था हमारे पास strcmp। strcmp फंक्शन क्या करता था, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करता था, cmp। अब strcmp फंक्शन क्या करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये जीरो रिटर्न करता है अगर दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ हम एक इंटीजर वैल्यूएबल l ले रहे हैं जो ये बताएगा दोनों स्ट्रिंग इक्वल है नहीं है, या सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए इफ एल्स इफ का यूज कर रहे हैं। अगर l की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स हैं। अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है। और अगर l की वैल्यू -1 आ रही है तो ये कंडीशन कहाँ जाएगा, else पार्ट में, तो इसका मतलब है सेकेंड स्ट्रिंग ग्रेटर है। तो इस तरीके से l की वैल्यू को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग ग्रेटर है या दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम रन करें, सपोज एप्पल, और इसमें भी हम डालें एप्पल, तो ये देख सकते हैं दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, ये देख सकते हैं सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि पहला कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है, ए, और सेकेंड स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर क्या है, ओ। तो ओ की एस की वैल्यू ए से ज्यादा है, इसलिए ये क्या दे रहा है, सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। तो इस तरीके से strcmp फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, दोनों स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और उससे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है फंक्शन से उसको वेरीफाई करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन से स्ट्रिंग ग्रेटर है। तो आज के वीडियो में अगर string.h हेडर फाइल के ये फंक्शन समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।